नमस्कार, इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से, जहां पर एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना जो है वो लगातार जारी है और कल सीएम मनोहर लाल से मीटिंग होती है, जिसके बाद कुछ रियायतें जरूर दी गई, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स की मांग है कि जो भी बातचीत हुई है उनको ड्राफ्ट में दिया जाए, उनको लिखा कर दिया जाए। ये देख सकते हैं जो 30 लाख की बात हुई है उसके लिए जो मेडिकल स्टूडेंट है वो यहाँ पर एक एक रुपया कर इकट्ठा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सरकार ने 30 लाख की मदद मांगी है, हम आपके पास आए हैं, इस तरीके से जो है इस पर स्लोगन भी लिखे गए हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के छात्र हैं, देख सकते हैं उसके अंदर जो है सिक्के डालते हुए, रुपए डालते हुए आपको जरूर नजर आ जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जो 40 लाख रुपए की बात कही गई थी बॉन्ड पॉलिसी में, उसमें 30 लाख रुपए किए गए हैं, और साथ साथ जो 7 साल की बात की गई थी बॉन्ड के लिए वो अब जो है 5 साल किए गए हैं, और यहाँ पर एक एक सिक्का कर 30 लाख रुपए, ये देख सकते हैं 30 लाख रुपए जो है इकट्ठे करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब मीटिंग हुई है तो उसके बाद जो उसमें कहीं ना कहीं बातचीत हुई है, जो बातें हुई है उससे छात्र अभी संतुष्ट नहीं है और मांग कर रहे हैं कि लिखित में उनकी मांगे जो है मानी जाए। और ये भी बड़ी बात है, उनका कहना है कि 30 लाख तक का जो अमाउंट है, हालांकि इसमें कहा गया है कि जो गर्ल्स छात्र हैं, लड़कियां छात्राएं हैं, उनके लिए 10% की रियायत जो है वो दी जाएगी, यानी कि वो आसपास अगर बात की जाए तो लगभग अगर बात की जाए 4 साल का इनका कोर्स होता है, उसके अंदर जो है 1-1 लाख रुपए कर ये फीस भरते हैं, तो अगर 30 लाख में से वो 4 लाख घटा दे तो लगभग 26 लाख के आसपास राशि बनती है, और अगर जो लड़कियां हैं, गर्ल छात्र हैं, उनको 10% की रियायत दी गई है तो लगभग उनको भी 22-23 लाख के आसपास का अमाउंट तो पे करना ही जो है वो पड़ेगा। इसीलिए जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अभी इस बात को लेकर राजी नहीं है, और ये बॉक्स देख सकते हैं जिसके अंदर 1-1 रुपया जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार ने 30 लाख मंगवाए हैं मदद के लिए, हम आपके पास आए, ये बॉक्स इन लोगों ने आम जनता के लिए रखा है कि इसमें जो आम जनता है, जो आम नागरिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं अस्पताल में इलाज कराने या किसी भी कारण से, वो इसके अंदर पैसे डालें, क्योंकि इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनका कहना है कि जो एमबीबीएस छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज जो खोले जा रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको पूरा करने के लिए भी उन्हें पैसा जो है वो चाहिए, तो अपने आप में एक बड़ी बात रही। कल जो है ये मीटिंग हुई है, छात्रों का जो डेलीगेट वहाँ चंडीगढ़ गया, वहाँ पर मीटिंग हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी छात्रों का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, इसी तरीके से रोहतक में भी है, और हरियाणा में बहुत से अगर बात की जाए जो संगठन है वो इसका जो है समर्थन जरूर करें, IMA ने भी समर्थन दिया, और जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने समर्थन दे रखा है, तो अपने आप में लगातार ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 30 लाख से भी जो 30 लाख जो घटाया गया है, 40 लाख की बजाय 30 किया गया, उसको लेकर भी अभी भी जो छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं है, हालांकि जो लड़कियां हैं उनको 10% की रियायत जरूर दी गई है। लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी है, और आप देख सकते हैं अभी भी नारे लगाते हुए आपको तमाम स्टूडेंट जो है वो नजर आ जाएंगे। आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे, बातचीत इनसे करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और मीटिंग में क्या कुछ डिटेल बातें इनके साथ हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी थी, वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। हाँ, कल 30 नवंबर को शाम 3:30 बजे के करीब CM सर के साथ हमारी वार्ता स्टार्ट हुई थी, उसमें सबसे पहले हमारी स्पष्ट मांग थी कि हमें कंपलसरी सर्विस दी जाए, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया, और उनका मानना था कि हम एक तरीके से कि डॉक्टरों की कमी तो हमारे पास है ही, परंतु हमें रिकवरी चाहिए, हम जो मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, हम जो बच्चों पर पैसा लगाते हैं, हमें उसकी भी रिकवरी करनी है, तो एक तरीके से उन्होंने हमारे कंपलसरी पोस्टिंग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये हमारी मुख्य मांग थी, अगर हमारी ये मांग नहीं मानी जाती थी तो फिर हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहनी थी, और एक दो मांगे जिस पे CM सर ने हामी भरी कि उन्होंने बोला कि हम 40 लाख से नॉमिनल सा घटाकर 10 लाख घटाकर 30 लाख रुपए कर देंगे, तो आप खुद सोचिए 30 लाख रुपए भी एक मिडिल मैन के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, और जो 7 साल की बात थी, 7 साल से भी उन्होंने नॉमिनल सा घटाया है, उन्होंने नॉमिनल सा घटाकर 7 से घटाकर 5 कर दिया, जो भी हमारी मांगों के एकदम विरुद्ध था। तो फिलहाल आपका क्या डिसीजन है अभी?
हमारा छात्रों का प्रतिनिधि मंडल कल चंडीगढ़ गया था, फिर यहीं पे बातचीत हुई थी कि हम जाकर अपने कॉलेज में बच्चों से वार्ता करेंगे, कॉलेज में बच्चों का मत पूछेंगे कि वो इस बात पर कितना सहमत हैं। तो अभी पता चला है कि बच्चे पहले रिटर्न अश्योरेंस की मांग कर रहे हैं कि अगर रिटर्न में भी हमें कुछ मिलता है, जो कल मीटिंग में हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उसके बाद निर्णय किया जाएगा। आपने आज एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स का क्या महत्व है? हाँ, आज हमने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सोच है कि हमें फाइनेंशियली चाहिए, हमें रिकवरी चाहिए, हम तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसके लिए हमें खर्चा चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों से अपील करेंगे कि इस दान पात्र में कुछ फंड डालें ताकि हम मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए खट्टर साहब को दे सकें। तो अब ये धरना जारी रहेगा फिलहाल? हाँ, अभी तक तो धरना जारी रहेगा। अगर इन फ्यूचर हमारी एक दो मांगों पर और सहमति बनती है तो फिर बच्चों का छात्रों का प्रतिनिधि मंडल इस बात पर विचार करेगा। आपका नाम? यश। देखिए, मीटिंग में दो चार चीज़ें मैं अगर मैं आपको एक दो लाइन में बता दूँ कि सरकार ने फीस पहले 40 लाख की थी, अब वो कह रहे हैं 40 लाख नहीं दे सकते, 30 लाख दे दीजिए। 5 साल तक सरकार के बंधन में आप गुलाम नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, आप 5 साल पे आ जाइए, 5 साल तो कम से कम करिए ही करिए। तो हमारा सीधा मत है कि देखिए, अगर आपको सर्विस चाहिए, सर्विस हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए सर्विस के नाम के ऊपर, अगर आप पैसे ऐंठना चाहते हैं इस जनता से, हम भी आम जनता में ही आते हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे, और उसी के लिए हम यहाँ पे। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की भी बात रखी गई है या कही गई है? जी, सरकार ने कहा है कि देखिए, हमारे पास सरकारी नौकरियां तो 3 साल में 400 ही आती हैं, लेकिन हम आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और एक सर्विस दे सकते हैं जिसका कोई अता पता नहीं है कि आप 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी, 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी, या 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी। अब आप भी सोच के बताइए कि आपको 5 साल के लिए आपके पास टाइम पीरियड है जिसमें सरकार जब चाहे आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब हाथ में पकड़ा दे, आप आइए और उसको आपको करना ही पड़ेगा, और फिर 6 महीने के बाद आपको कहे कि आप वापस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पर बैठिए, हम आपको 2-3 महीने में जब कोई नौकरी मिल जाती है जब दोबारा बुला रहे हैं। हड़ताल जारी रहेगी, प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन अभी तक छात्रों का यही मत है कि देखिए, बयानबाजी कोई भी नेता है वो करते ही रहते हैं, वो अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, जनता में कुछ और बताते हैं। तो जब तक जो उन्होंने कल कहा है वो रिटर्न में एक ड्राफ्ट में, हमने भी ये मांग रखी थी, अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो आप ड्राफ्ट में लिखकर और हमें दीजिए ताकि हम उसके ऊपर विश्वास कर सकें और जनता उसके ऊपर विश्वास कर सके। आपका नाम? मेरा नाम रोहित है। और क्या डिसीजन लिया? देखिए, सरकार ने सिर्फ एक छोटी सी छूट हमें दी है कि 40 का 30 कर दिया और 7 साल का 5 साल कर दिया, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। अब हम सरकार हमें कहती है कि हम आप लोगों जिनका क्लियर हो जाएगा, वो कहते हैं कि हम SCM में जॉब दे देंगे, रेगुलर जॉब दे देंगे, तो बाकी जो बच्चे बचते हैं उनको हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब देंगे। अब हम मुझे सरकार से यही पूछना है कि सरकार के पास अगर इतनी ही नौकरियां हैं तो अभी जो डॉक्टर जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया था, अब पहले उन्हीं को नौकरी दीजिए। अगर सरकार के पास इतनी ही ज़्यादा नौकरियां हैं तो रेगुलर जॉब की, तो अब उन बच्चों की क्या गलती होगी? कुछ बच्चों को रेगुलर जॉब मिल जाएगी, कुछ को नहीं मिलेगी, तो उन ये हमें डिवाइड करने का तरीका क्यों अपनाए रहे हैं? दो बच्चों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं कि एक बच्चा जो सेम कोर्स करके आया, दूसरा बच्चा भी सेम कोर्स करके आया? पहले बात तो आप उनको डिवाइड ही क्यों कर रहे हो? दूसरी बात कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है उसका कोई अता पता नहीं है कि वो किस तरह की जॉब होगी, वो हमें नहीं पता कि हमसे अब कल को कहेंगे कि आप कंप्यूटर पे बैठ जाइए, अब हमें MBBS ग्रेजुएट अब कंप्यूटर पे बैठने के लिए नहीं है, वो लोगों की सेवा करने के लिए। तो आपकी पहले आगे प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारा ही प्रदर्शन अभी तक, जब तक बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक हमारा प्रदर्शन। ये बॉक्स किस लिए है? ये बॉक्स इसलिए है कि हम सरकार की जो सरकार हमें बोल रही है कि हमें मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं, हम सरकार के लिए वो चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं आम जनता। आपका शुभ नाम? पूजा।